After Narhari Amin threatened to quit Gujarat Congress over being denied a Congress ticket, Rajiv Shukla met the top Congress leader in an apparent attempt to pacify the disgruntled leader who has once again threatened to quit. Sources are telling your channel that the Congress is likely to offer him a Rajya Sabha ticket. Meanwhile, Narhari Amin has set a deadline of tomorrow for the Congress to accommodate him or face a walkout. मेरे जैसे सीनियर लीडर्स जो हमारी कोर कमेटी 7-8 लोगों की थी उसका भी मैं मेंबर था। 2 साल से सभी को एक करके सबको साथ में लेने का मैंने काम किया था। जो पार्टी के सीनियर लीडर्स में डिफरेंस था वो डिफरेंस कम करने में मैंने जितनी मेहनत की इतनी दूसरे किसी आगेवान ने नहीं की। ऐसे आदमी को 1 साल पहले प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि भाई आप चुनाव की तैयारी चालू करिए। शंकर सिंह वाघेला ने भी की थी। फिर ये 2 टाइम वाला क्राइटेरिया जब हाईकमांड ने लाया तब उनकी जिम्मेदारी थी कि ये क्राइटेरिया रोकना चाहिए। अगर रोक नहीं सकते तो उसको वो टाइम तय करना चाहिए कि भाई नरहरी अमीन ये क्राइटेरिया में आते हैं तो उनके लिए स्पेशल छूटछाट देने की अप्रूवल पहले से ले लेनी चाहिए। तो आज मेरे को लगता है कि ये क्राइटेरिया सिर्फ मेरे को काटने के लिए बनाया गया। मेरे को काटा, नरेश रावल को काटा, सागर रायका को काटा, हिम्मत सिंह पटेल, जिन लोगों को नहीं देनी थी उसको क्राइटेरिया में उन्होंने फिट कर दिया। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने ये भी तय किया था कि 15,000 से ज़्यादा वोट से जो हारा उसको भी टिकट नहीं देने का, जिला पंचायत या कॉरपोरेशन में हार गया उसको भी टिकट नहीं देने का, जो मत क्षेत्र का नहीं है और बाहर से आता है उसको भी टिकट नहीं देने का। ये चारों क्राइटेरिया जो थे उसमें से 3 क्राइटेरिया उन्होंने तोड़ दिया। 15,000 वोट की बात थी, 56,000 वोट से आ रहा उसको टिकट दी, 22,000 वोट से आ रहा उसको टिकट दी। मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जो है उसको गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में टिकट दे दी। अहमदाबाद रूरल जिला पंचायत का जो मेंबर है उसको अहमदाबाद सिटी में टिकट दे दी। कई ऐसे 10 से 12 कैंडिडेट है जो मत विस्तार में नहीं रहते हैं, वहाँ के मतदान नहीं है, उसको भी टिकट दे दी। तो सिर्फ ये 2 टाइम हारने वाले को टिकट नहीं दिया। अपने जो भी लड़ाई लड़नी है वो लोकशाही से लड़ेंगे। इसीलिए मैंने कल 1:30 बजे हमारे पूरे गुजरात के हमारे साथ जुड़े हमारे समर्थन करने वाले हैं, हमारे शुभेच्छक हैं, ऐसे लोगों की 1:30 बजे 2 बजे मीटिंग बुलाई है। 2-3 घंटा डिस्कशन करेंगे, उनका भी क्या राय है वो पूछेंगे और फिर परामर्श करके क्या रिजल्ट आता है वो देखकर फाइनल डिसीजन मेरे को लेने का है कि क्या करने का है। कांग्रेस में कंटिन्यू रहना है नहीं रहना है, अगर हाईकमांड को जाके मिलना है कि नहीं मिलना है वो भी तय मैं करूँगा और सबके साथ परामर्श करके करूँगा और उसके लिए कल मीटिंग रखी हुई है। नहीं, नरहरी भाई हमारे दोस्त हैं और हम इनसे मिलने आए और इनका बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी में, इनका बहुत बड़ा आसार है यहाँ पे, हमारे बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं ये। तो हम इनसे बातचीत करने आए थे और हम लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई वो हमें आपको नहीं बताना।